सिद्दीक एंड आई होप ऑल आर डूइंग गुड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आजकल हर कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहता है और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है स्पेशली इन डॉलर्स लेकिन हर तरह की जॉब हर तरह के इंसान के लिए नहीं होती है हर बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता जो दूसरे कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्किल्स लर्न करने पड़ते हैं बहुत कुछ सीखना पड़ता है तभी जाके हम कोई एक ऑनलाइन जो है वो जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं जैसे फ्रीलांसिंग है या ब्लॉगिंग है या जो भी हम लोग काम कर सकते हैं तो पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है लेकिन आ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि बस हमें ईजीली जो है ना ईजी ईजी वाले काम जो है बस हमें मिल जाए हम लोग काम वो काम करें और बस अर्निंग हमारी होती रहे तो आज हम लोग सारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रही है जहाँ पे आप लोग अगर आप लोगों को टाइपिंग आती है you know, तो आप वहां से जाके इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है वो टाइपिंग करके अर्निंग कर सकते हैं अब सारा प्रोसीजर क्या है किस तरह करना है क्या नहीं करना वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जाके बताती हूँ सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट गूगल पे आपने टाइप करना है लर्निंग फॉर जस्टिस डॉट ओ आर जी उसके बाद आपके सामने जो फोर्स लिंक आएगा आपने इस इसको क्लिक कर देना है और इनकी वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड अब आपने करना ये है कि यहाँ पे जो अबाउट का ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आना है और यहाँ पे यू कैन रीड इट कि यहाँ पे इनका मिशन क्या है ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको ये सारा का सारा रीड करना होगा उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है बेसिकली ये एक एन है एक फ़ाउंडेशन है जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स की और एजुकेटर्स की जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है और ये इनको सपोर्ट करके उनकी हेल्प आउट करना चाहते हैं यूके यूएस में ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस और ऐसे बहुत सारे एन होते हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं ये सारा रीड करने के बाद अब आपने यहाँ पर राइटिंग फॉर पे क्लिक कर देना है उसके बाद आप आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आपने अपना काम स्टार्ट करना है यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया है कि लर्निंग फॉर जस्टिस जो कि इस वेबसाइट का नेम है ये यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फ्रीलांस राइटर्स को जो कि इनके लिए आर्टिकल्स लिखेंगे मैगजीन्स के फीचर्स के स्टोरीज वगैरह लिख देंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब आपने एक आर्टिकल लिखना कैसे है और इनको सेंड कैसे करना है वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल मौजूद है आपने ये सारा प्रॉपर रीड करना होगा तभी आपको समझ आएगी अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है शॉर्ट आर्टिकल्स अब यहाँ पे इन्होंने कहा ये है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है इनकी वेबसाइट के लिए जिसका जो टॉपिक है वो सोशल जस्टिस है और एथिकल एजुकेशन है और इस टॉपिक के ऊपर आपने वन थाउजेंड वर्ड्स का जो है आर्टिकल लिखना है या फिर आप फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड्स तक भी लिख सकते हैं उसके लिए आपको ये सारा रीच करना है तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया हो जाएगा ये पर आर्टिकल जो है आपको डॉलर फाइव हंड्रेड जो है वो चार्ज कर रहे हैं अब ये आर्टिकल किस तरह से आपने लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए बहुत आसान है आपको खुद से कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा और आपका आर्टिकल जो है वो रेडी हो जाएगा उसके बाद जब आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा तो तो आप इनकी इस ई मेल एड्रेस के ऊपर आप इनको सेंड कर देंगे अब वो किस तरह से करेंगे और आर्टिकल किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने को ऑप्शन आएगा लर्निंग फॉर जस्टिस मैगजीन फीचर स्टोरीज़ अब यहाँ पे आप इनके लिए इनकी जो मैगजीन की जो फीचर स्टोरीज़ हैं आप वो भी लिख सकते हैं जो कि 1500 टू 2000 थाउजेंड वर्ड्स तक होनी चाहिए और इसके लिए जो है डॉलर वन पॉइंट फिफ्टी जो है पर वर्ड आपको चार्ज किया जाएगा और वो भी आपने इसी तरह से लिख के इनको इसी जो इनका ईमेल एड्रेस है उनको सेंड कर देना होगा उसके बाद आपके सामने एक और टॉपिक आता है दैट इज़ वाई आई टीच 600 टू 800 हंड्रेड वर्ड्स इनको चाहिए इस आर्टिकल में और ये इसके लिए 200 हंड्रेड डॉलर जो हैं वो पे कर रहे हैं और इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं आप इनको सारा रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सेम ऐसे ही इस टॉपिक uh, के ऊपर 600 हंड्रेड टू एट हंड्रेड वर्ड्स जो हैं वो इनको चाहिए और इसके लिए पर वर्ड जो है वन डॉलर चार्ज कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स भी सारी यहाँ पे मौजूद हैं अब आप ख़ुद लिख सकते हैं वेल एंड गुड अगर आप ख़ुद नहीं लिख सकते तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक प्रोफेशनल आर्टिकल uh, जो है वो किस तरह से कॉपी करके प्रॉपर प्रोफेशनल वे में आप जो है इनको सबमिट करेंगे इनके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर और आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है फाइव हंड्रेड डॉलर्स या जिस टॉपिक के ऊपर भी आपने जो है आर्टिकल लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट करेंगे गूगल पे आपने चार जी लिखना है और आपके सामने चार जी जो है ओपन हो जाएगा अब मेरे पास चार जी का जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह से शो होता है लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा आपके पास जो है वो सिंपल चैट जी ओपन हुआ होगा अब ये अपडेटेड फ़ीचर्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ एंड इफ़ यू गाइस वांट टू नो कि आप लोग किस तरह से चैट जी को जो है अपडेट कर सकते हैं और ये वाले फ़ीचर्स जो हैं वो ले सकते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना लूँगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बता दूँगी कि आप लोग किस तरह से ये सारे फ़ीचर्स जो है वो ले सकते हैं इससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कोई भी आर्टिकल या कोई भी कंटेंट लिखने के लिए अब मैं यहां पे फर्स्ट वन जो है इसको यूज करूंगी यहां पे लिखा है ह्यूमन रिटर्न 100 परसेंट यूनिक एस सू ऑप्टोमाइज्ड आर्टिकल तो यहां पे अब जो भी आर्टिकल आएगा वो एस सी यू होगा अब एस सी यू क्या होती है वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा तो ये एस सी यू ऑप्टोमाइज आर्टिकल जो है वो मेरे सामने अभी यहाँ पर आ जाएगा अब फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर इसी टॉपिक पर हमें जो है तो आर्टिकल लिखना है और वन थाउजेंड वर्ड्स के लिए तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी इसको कॉपी किया और चार जी पे जाके फर्स्ट ऑप्शन में इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां पे, इसको मैंने किया, यहां पे मैं इससे पहले लिख दूंगी वन थाउजेंड वर्ड्स फॉर सोशल जस्टिस अब इसके बाद हमारे सामने एक आर्टिकल आ जाएगा जो कि एसयू ऑप्टोमाइज होगा अब ये देखिए हमारे लिए चैट जीपीटी जो है ये आर्टिकल लिख रहा है जो कि हमें चाहिए आ, वन थाउजेंड वर्ड्स का प्रॉपर प्रोफेशनल वे में हेडिंग्स के साथ जिस तरह से एक प्रोफेशनल राइटर्स जो हैं वो लिखते हैं सेम वैसे ही हमारे सामने आर्टिकल हमारा अभी रेडी हो जाएगा ये देखिए आर्टिकल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है आप इसको चाहें थोड़ी सी अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं आप एडिटिंग कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू एडिट एनीथिंग आप इसको जस्ट कॉपी करें यहाँ से और कॉपी किया और इसके बाद आप चाहें तो आप सिंपल नोट पैड में भी इसको जो है तो लिख सकते हैं अदरवाइज़ आप इसको जो है तो डॉक्यूमेंट्स uh, में भी जाके वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें और आपकी एक फ़ाइल जो है वो बन जाएगी लेट सपोज मैं इसी को फ़ाइल अभी इस टाइम पर बना ले बना लेती हूँ और मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ इसको नेम दे देती हूँ जो कि मैंने वहाँ पर नेम दिया हुआ था सोशल जस्टिस और इसको मैंने सेव कर दिया ये आर्टिकल मेरे पास रेडी हो चुका है अब करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ इसके बाद आपने इनको ई करना है इनका ये जो ई एड्रेस है यहाँ से इसको कॉपी कर देना है कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने ईमेल एड्रेस पर पे जाके पेस्ट कर देना है और इसके बाद हमने जो आर्टिकल लिखा था उसकी हमने यहाँ पे फाइल को अटैच कर देना है अब यहाँ पे हमने इनको एक ईमेल लिखनी होगी अब वो ऑब्वियसली हम लोग खुद से नहीं लिखेंगे उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे चार्ट जी को अब ये जो पेज हमारे सामने ऑलरेडी ओपन हुआ है जिस पर चार्ट जी ने हमारे लिए आर्टिकल लिखा था उसी पेज के नीचे आपने लिखना है राइट एंड ई मेल फ़ॉर दिस आर्टिकल मीन्स इस आर्टिकल के लिए हमें एक ई मेल जो है वो चाहिए तो हम लिखेंगे राइट एंड ई मेल फॉर दिस आर्टिकल तो हमारे सामने जो है ये ई मेल जो है वो आ जाएगी हमने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया ये मैंने नहीं लिखी ये इसी ने चार्ट जी बी टी ने ही लिखी है हमारे लिए और यहाँ पे जाके आपने इसको जो है वो पेस्ट कर देना है सब्जेक्ट में आपने लिख दिया आर्टिकल सबमिशन और इसके बाद नीचे डियर के आगे आपने लिख दिया आम, सर मैडम और नीचे आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है और ये आपकी ईमेल जो है वो रेडी है टू सेंड देम इसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो जाएगा और पब्लिश होने के बाद ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको ई सेंड करेंगे और ईमेल के थ्रू आप जो है इनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे बातचीत करेंगे और इसके बाद आपको ये फाइव हंड्रेड डॉलर जो है वो सेंड कर देंगे या जो भी आपने जिस भी टॉपिक पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी इन्होंने पेमेंट बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट जो है वो मिल जाएगी चाहे आप फिर अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करें चाहे आप पे के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं या पे ओनी के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं डिपेंड्स ऑन यू वो फिर आप इनके साथ जब कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा बहुत आसान है आप बहुत प्रोफेशनली केयरफुली आप इनके लिए आर्टिकल्स लिखें इनको सेंड करें और आप इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अब बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यब जो है वो स्टार्ट कर देंगे सो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ अल्लाह हाफिज़